स्टेशन मरोदा फ्लाईओवर के समीप बने नाले में गिरकर एक गौवंश घायल हो गया। स्थानीय दुकानदारों द्वारा काफी जद्दोजहद के बाद गौवंश को नाले से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर घायल गौवंश का उपचार किया गया। नगर निगम प्रशासन रिसाली द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखने का अभियान केवल खाना पूर्ति मात्र साबित हो रहा है। सड़क किनारे घूमते आवारा मवेशी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना में मंगलवार सुबह स्टेशन मरोदा फ्लाईओवर के समीप बने नाले में गिरकर एक गोवंश घायल हो गया। गोवंश के नाले में गिरकर घायल होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के उपरांत घायल गोवंश को नाले से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात गोवंश के उपचार को लेकर पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर गोवंश का उपचार करवाया गया। पशु चिकित्सक को बुलाने के पूर्व लोगों द्वारा स्थानीय गोठान में भी सूचना दी गई थी, लेकिन वहां से कर्मचारी काफ़ी देर के उपरांत मौके पर पहुंचे। गोवंश के नाले में गिरने और उपचार को लेकर स्थानीय एक रहवासी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये भैया, सवेरे मैं दुकान खोलने आया तो देखा कि गाय पड़ी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं बाथरूम करने जा रहा था तभी अचानक ध्यान पड़ा है तो देखा कि, तो मैं गौठान वालों के पास एक आदमी को भेजा तो उधर से आदमी आया नहीं, तो फिर घर तक प्रयास किया कि इसको निकालने के लिए। तो आम जनता को मदद लिया आम जनता से और गाय को बाहर निकाला हूँ और ये सामने रख दिया हूँ और निगम में फोन करने का कोशिश है, तो इनको जैसे भी हो सके स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना है और स्वास्थ्य विभाग भेजना है। गौठान से आए थे आदमी, डॉक्टर वगैरह आए थे, तो उपचार वगैरह प्राथमिक उपचार हो चुका है इस गाय का और लग रहा है कि अब स्वस्थ हो जाएगी। बहरहाल नगर निगम प्रशासन को अपने गोवंश को सड़कों पर आवारा छोड़ रहे पशुपालकों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इसके बाद ही इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।